यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फक्स से कहता हूँ मैं इंडियन हूँ। स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता कहीं है। अलग से बनती ये है पकड़ो आप, ये वो, अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हा? लेकिन जहां जब इसका सवाल आया था, हाँ इतने बेवकूफी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। स्पेशल गेंद है जो पाकिस्तान से एलिगेशन आया था ना, आपको याद है ना? पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बोला था कि इंडिया के बॉलर्स को एक अलग तरह का बॉल दिया जाता कहीं है। अलग से बनती है ये वो पकड़ो आप, ये अलग है, ये कैसा है? इसमें कोई डिवाइस लगी है हा? लेकिन जहां जब इसका सवाल आया था, हाँ इतने बेवकूफी के सवाल कैसे बोल सकते हो आप ऑन स्क्रीन, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि हंसी आती है यार कभी कभी तो सोच कर भी, क्योंकि शायद उससे 2 या 3 दिन पहले ही वसीम भाई ने उस चीज को समझाया था वसीम कि अकरम, अंपायर्स आते हैं बॉक्स लेकर, हम चूज करते हैं, वो अंपायर्स को वापस दी जाती है, अंपायर्स सीधा ग्राउंड में लेके जाते हैं। वैसे ही होता है, 4-6 बॉल होती चूज कर ली जाती हैं। अब ये बॉल कहां से आई है, डिवाइस कहां से लगी है और स्विंग किधर करनी है, ये कैसे पता चलेगा। एक मैं और सोच रहा था उस पर एक वीडियो बनाता हूं, फिर मैंने बनाई नहीं क्योंकि हंगामा ज्यादा हो जाता। किस तरह का वीडियो? मैं बॉल लेकर उसको तोड़ कर दिखाता कि इसमें कुछ है या नहीं ये है। वाला थोड़े मैं उसको काटता पहले बीच में से, इसमें कुछ है नहीं है। अगर फिर उनसे सवाल पूछता कि भाई अगर मैंने इसमें डिवाइस लगाई भी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने डिवाइस लगाई है इसमें, क्या पता बटन उल्टा उल्टा दब जाए, इसमें डाली अंदर के लिए बाहर भाग गई, उसमें चक्का पड़ गया फिर। सही बात है। लेकिन यार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपकी खेला हुआ इंसान ऐसी बातें करता है, ये बहुत खराब चीज है। ये मतलब यंगस्टर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है और ना ही बोलनी चाहिए ये सब चीजें, अच्छा, एक क्योंकि और सवाल इसी से जुड़ता हुआ, आपको याद होगा एक मैच था जहां पर आपने आई थिंक 5वां विकेट लिया और आप जमीन पर बैठ गए, और फिर पाकिस्तान से ही ये सोशल मीडिया पर आया कि देखो मोहम्मद शमी जो है वो इंडियन मुस्लिम है, सजदा करना चाहता है, बट वो एकदम डर गया और इंडिया में घबरा के कर नहीं पाया। यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूं, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूं। मैं इंडियन हूं, मैं फक्र से कहता हूँ मैं इंडियन हूं। इसमें क्या दिक्कत है भाई। भाई हमारे यहां पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहां इंडिया में रहना नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती किसी की परमिशन की, तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहां पे। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन, बहुत सारी चीजें मैंने भी देखी वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि मैं सजदा करना चाहता था नहीं किया। अरे भाई जिंदगी में पहले कभी किया है मैंने कि मैं 5 विकेट लेके, 5 विकेट तो पहले भी दिए, मैंने तो सजदा नहीं किया। लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मुझसे मुझे बताओ ना कहाँ करना है मुझे सजदा। मैं इंडिया के हर मंच पे करूंगा और मुझे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाए। नहीं, ये चीजें सोच हमारी, हमें कहाँ डिस्टर्ब करना है वो सोच होती है इन लोगों की। ये लोग ना तो आपके साथ हैं ना मेरे साथ हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, ये केवल चुगलखोरी से प्यार करते हैं। इनको कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं 5 विकेट लिया क्योंकि मैं 5 विकेट लिया, शायद 6ठा ओवर था वो, और मैं उस एफर्ट से डाल रहा था कि मेरी लिमिट के बाहर डाल रहा था मैं। एनर्जी, हाँ क्योंकि 3 तो आउट हो ही चुकी थी। अब मेरे दिमाग में ये थी कि ये 3-4 ओवर में मैं 5 करके जाऊं यहां से, अब क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फुल एफर्ट से, मैं 100 नहीं 200% से डाल रहा था उस टाइम, जो मेरे अंदर एबिलिटी उससे ज्यादा ही फेंक रहा था। मैं थक चुका था, वो आउट नहीं हो रहा था, बीट हो रहा था। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पे बैठा था। अब उसने जब बॉल ऐसी की तो मैं आगे झुक गया, लोगों ने उसका तो मीम ही बना डाला।
और भाई इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, मुझे नहीं लगता कोई किसी और कोई काम ही नहीं है उन लोगों को। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपने फिर न्यूजीलैंड में 5 विकेटें ली, फिर इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर आ गया सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल में बोर्ड पे तो 400 रन थे, लेकिन एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 चेज भी ना हो जाए, और फिर दोबारा से आते हैं मोहम्मद शमी। सच में उस टाइम तो लग रहा था, क्योंकि बानखेड़े पे मैच है, आप बाउंस ट्रू रहता है वहां पे, आपको पता है कि वहां 400 भी बन जाएंगे, अगर आपके पास सेट बैट्समैन खड़े हैं तो आपके 400 रन कोई माने नहीं रखते उस विकेट के ऊपर, क्योंकि बॉल ट्रैवल करता है, बॉल बाउंस पे आता है, पेस अच्छी होती है, तो होता है कि हाँ रन पे सेफ नहीं होते, क्योंकि आप जो एक टीम जो बराबर की टीम आपके सामने खेल रही है वो भी बना सकती है, और जब जब आप सेकेंड बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर ड्यू भी होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है, इजी आने लगता है बैट पे, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं उस टाइम। वो जैसे मैं अभी बोला था कि दोपहर में बॉलिंग करना और रात को बॉलिंग करना बहुत अलग चीज होती है। कहानी गड़बड़ कैच छूटने पे हुई थी, आपने कैच छोड़ा। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी मैं कैच छोड़ सकता हूँ, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन कैच छूटने के बाद मेरे दिमाग में आया था कि अब ये आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ, क्योंकि दोनों सेट खेल रहे थे, बहुत जरूरी था। दिमाग में उस टाइम पे मुझे प्रेशर आया था, मैं अगर कहूँ कि हाँ नहीं सोचा या लोगों को नहीं लगा कि इस पे प्रेशर नहीं था तो लोगों को नहीं पता चलो, लेकिन अंदर से मेरे ऊपर प्रेशर था। और एक भी बैड कमेंट्स या बैड फेस स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो शॉकिंग फेस दिखाते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला कि हाँ किसी ने मेरे लिए खराब रिएक्ट किया हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब बॉलिंग आई तो बस एक ही चीज दिमाग में थी, जब मैं रनअप पर था मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, या तो ये मुझे 3 छक्के मारेगा या मैं इसको आउट करूंगा। मेरे एक ही चीज दिमाग में थी, क्योंकि कैच मेरे से छूटा था, मैंने सोच लिया था, मैंने चाहे जो हो जाए, इन 6 बोलो मैं जी अब तू 3 छक्के मार या भाई अपना विकेट दे के जाएगा। विकेट दे के नहीं जाएगा, विकेट लूंगा। लेने की तो कोशिश 6 बोलों में करनी थी, जब 3 छक्के मार खाने का इरादा कर लिया है कि मैं खा लूंगा तो मुझे विकेट लेना ही है, किसी भी कंडीशन में मुझे विकेट चाहिए था। वो कप्तान आए आपके पास उस वक्त जब विकेटें नहीं मिल रही थी, कैच छूट चुका था, कप्तान उस बॉल डालने से पहले, उस स्पेल से पहले? नहीं नहीं किसी ने भी बुरा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, सबने यही है, हम लोग छूट जाता है नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार हो जाते हैं, उस कैच के बारे में किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया ऐसा। नहीं नहीं आपने जब स्पेल शुरू किया, जब स्पेल शुरू हुआ था तो वही था कि हाँ उसको भी पता था, मेरे को भी पता था कि विकेट की यही एक जरूरत है, अगर मैं चल आउट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम ट्राई उसका कर रहे थे पहले कि वो आउट होना चाहिए, क्योंकि वो लंबी इनिंग और स्ट्रांग इनिंग खेलता है, तो वहां पे वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, तो स्लोर पे आउट हुआ। आउट हुआ फिर नहीं रोक सकते थे, फिर क्योंकि वो एक जगह कंप्यूटर की गेम हो गई। उसके बाद उसके बाद तो आपने वक्त ही नहीं दिया, मैच ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। बट यार एक बार वो लगा था कि कहीं बन ना जाए बॉल, तो ऑब्वियसली 7 विकेट लिया, हर इंसान अपनी तारीफ करेगा या लोग भी सामने वाले भी तारीफ करेंगे, 7 विकेट उतना इजी वनडे क्रिकेट में नहीं है, नहीं तो हर आदमी पेड़ पे चढ़ जाएगा उस टाइम के, हाँ अगर मैं भी हूँ अपना कॉलर खड़ा करके चलू ये वो, बट हमें पता था बीच में क्या कंडीशन हो गई थी हमारी, सबको पता था वो बात। बट बहुत मतलब वो मैच जीतने के बाद इतना रिलैक्स हुआ था ना दिमाग, पूरा टूर्नामेंट में नहीं हुआ।